हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हिंदी ये पीजीटी 2018 का क्वेश्चन पेपर है सॉल्व। और आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे मिला है हम लोगों को हिंदी के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ज्ञान मार्गी, निर्गुण, भक्ति धारा। मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ दे रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन आप देखते जाइएगा। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ज्ञान मार्गी, राम भक्ति, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति। तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी, निर्गुण भक्ति धारा से है। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्तिकार के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। क्वेश्चन 12 और हिंदी का सेकेंड। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? उर्वशी, यशोधरा, चिदंबरा, कामायनी। करेक्ट आंसर इज उर्वशी। और रामधारी सिंह दिनकर जी के और बुक्स के नाम देखिए, यहाँ दिए हुए हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के चार अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा तथा हाहाकार। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि पहचाने में कठिन, और ऐसे दिया है कि शिक्षक, भारी, और एक नक्षत्र गुरु कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कह रहा है कि गलत है। ये मुहावरा है एक, हो क्या किसी बात पर दृढ़ रहो, यानी इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस भरने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बेपेंदी का लोटा। तो हम लोग को पता ही है जो किसी बात पे फिक्स ना हो, अड़िग ना हो। 15 टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? युवा भारतीय टीम, बल्लेबाजी, टॉस या भारतीय टीम ने। तो दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को बल्लेबाजी में सही प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो गया आपका बल्लेबाजी करेक्ट आंसर। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, हमें बस ये फोकस करना है, बाकी चीज़ें तो डिटेल हम समझते ही जाएंगे। जब अर्थ का ग्रहण अविद्या से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? ध्वनि, व्यंजना, अविद्या, मूला, लक्षणा। करेक्ट आंसर 4 है लक्षणा। जब अर्थ का ग्रहण अविद्या से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। अब इसको डिटेल में कभी हम लोग पढ़ लेंगे या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं सर्च करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। फिर क्वेश्चन देखते हैं, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। भय, भ्रम, संदेह, जिज्ञासा, भ्रम। 19th क्वेश्चन, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द, ध्वनि, वाक्य या वर्ण? वर्ण। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इट्स प्रेम। इसके फ्रेंड्स 3rd हमारा आया है सामान्य ज्ञान, यानी कि वैज्ञानिक को। तो मिलते हैं इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वेडनेसडे को, और ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बच्चों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।